एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ अंकिता। और आज है मेरे बेबी का बर्थडे और अभी टाइम हो रहा है 6, और अभी एक घंटे बाद से सारे गेस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुबह से काम करते करते बहुत थक गई, अभी बस तैयार हुई हूँ। तो मैं दिखा देती हूँ जल्दी से, मैंने ये साड़ी डाली हुई है, थोड़ा सा मेकअप किया है, और मेरा बेबी भी रेडी हो गया है, और ये है मेरा बेबी। हाय करो, हेलो बेबू, सुना दो, मछली जल की रानी है। बोलो बोलो, मछली जल की। अभी उसका मूड नहीं है। तो 2 साल का हो गया है आज मेरा बेटा, कैसे टाइम निकल गया कुछ पता ही नहीं चला, बहुत अच्छा रहा ये टाइम। तो अभी थोड़ा सा डेकोरेशन बाकी है, मैं थोड़ा बहुत डेकोरेशन और पूरा कंप्लीट करके फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये सब हमारे कुछ फ्रेंड्स आ गए हैं जो कि मिलके तैयारी कर रहे हैं, कुछ डेकोरेशन कर रहे हैं, और अच्छा लग रहा है, सब मिलके काम कर रहे हैं। और ये मेरी सासू माँ और मेरा बेटा, इनको भी अच्छा लग रहा है, सब देख रहे हैं। लास्ट टाइम तो बहुत छोटा था, अभी इनको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। और ये भगवान के लिए ऑल्टर तैयार हो रहा है, यहाँ पे गौर निताई जी रखे जाएंगे और फिर उनकी पूजा होगी। अभी ये गौर निताई जी को तैयार कर रहे हैं, इनको अच्छे से तैयार करेंगे, फिर उसके बाद इनका भोग लगेगा और उसके बाद आरती और कीर्तन होगा, उसके बाद एक क्लास होगी पेरेंटिंग के ऊपर, और फिर केक काटेंगे, और फिर उसके बाद डिनर प्रसादम होगा। तो अच्छा जाने वाला है। हम लोग हमारे बेटे का बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं, कृष्णा को सेंटर में रख के, कृष्णा को ध्यान में रखते हुए ही सारे काम करते हैं। ये आरती की थाली भी तैयार हो गई है। हमें लगता है कि अगर भगवान जी हमारे साथ होंगे तो हमारा सारा काम अच्छा जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। और फिर ये हमारे बेटे का बर्थडे है तो इसमें भगवान का कीर्तन होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनको भी देख लीजिए कैसे खेल रहे हैं, मस्त है एकदम, आज इनको मज़ा आ रही है। आज बहुत काफ़ी सारे लोग आने वाले हैं घर पे, और कुछ लोग आ भी गए हैं। और ये है इनकी दादी, दादी संभाले हुए बैठी हुई दादी, दादी इनकी दादी है ये, इनकी दादी आ गई इनकी दादी आ गई ये। अभी आरती की तैयारी हो रही है और डेकोरेशन हो चुकी है ऑलमोस्ट, बस गौर निताई को तैयार कर रहे हैं, ये तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आरती करेंगे, भोग लगाएंगे फिर आरती करेंगे। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. बस डेकोरेशन हो गई है और अभी भोग लग रहा है, इसके बाद फिर आरती होगी, कीर्तन होगा, फिर क्लास होगी।
केक कटिंग के टाइम पे वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे, तो वीडियो शूट कर पाना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे कुछ पिक्स डाल रही हूँ। और ये प्रसाद भी रेडी है, डिनर प्रसाद। प्रसाद इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सब कृष्णा को भोग लगाया हुआ है, और हम लोग का मानना है कि जो भी खाना, जो भी चीज़ें हम लोग खाते हैं वो कृष्णा को ऑफ़र होनी चाहिए। तो हम लोग पानी भी ऑफ़र किया हुआ ही पीते हैं, तो ये सब ऑफर्ड फूड है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, बाय बाय।